गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश के फोर्थ लेसन द काबुली वाला के टेंथ क्वेश्चन जो पहले कर चुके थे, अब इलेवंथ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखो बेटा, इलेवंथ क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब मिनी फर्स्ट एनकाउंटर विद काबुली वाला, कि काबुली वाला और मिनी की जो फर्स्ट मीटिंग थी जो उसके बारे में आपको लिखना है, उसका वर्णन करना है। शी स्टॉप्ड प्लेइंग एंड कॉल्ड फॉर काबुली वाला, जब वह फर्स्ट टाइम काबुली वाला से मिली तो वह खेल रही थी, उसने अपना खेलना बंद किया और काबुली वाला को बुलाया। वेन ही केम शी स्टूड नर्वसली, और जब वह आया तो वह नर्वस होकर खड़ी रही। काबुली वाला टुक सम रेजिंस एंड एप्रिकॉट्स फ्रॉम हिज बैग एंड गेव देम टू मिनी, काबुली वाले ने अपने बैग में से कुछ किशमिश और खुमानियां निकाली और उसे मिनी को दिया। She refused to take them and remained suspicious. उसने इन्हें लेने से इनकार कर दिया और संदेह युक्त नजरों से उसे देखती खड़ी रही। Next question है बेटा आपका, Give some examples from the story that काबुलीवाला and Mini enjoyed each other's company. आपको अपनी story में से काबुलीवाला में से कुछ example देने हैं कि Mini और काबुलीवाला आपस में एक दूसरे की जब मिलते थे, उनकी संगति उन्हें एक दूसरे को अच्छा लगता था, मिलना जुलना अच्छा लगता था, आनंद आता, इसका वर्णन करना है। इसका आंसर है बेटा, द फर्स्ट इज वन डे मिनीज फादर सॉ हर सीटिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस एंड नॉन स्टॉप टॉकिंग टू काबुली वाला। इसका पहला एग्जाम्पल है बेटा, एक दिन मिनी के पापा ने उसे घर के बाहर देखा और वह नॉन स्टॉप यानी बिना रुके काबुली वाला से बातें कर रही थी। द अदर इज, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, मिनीस फादर सो हर आस्किंग टू काबुली वाला व्हाट इज इन योर बैग। मिनी के पापा ने उसे देखा कि वह काबुली वाला से पूछ रही थी कि तुम्हारे बैग में क्या है। ही रिप्लाइड हाथी, काबुली वाला ने उत्तर दिया हाथी। This shows that Kabuliwala and Mini enjoyed each other's company. इन एग्जाम्पलों से हमें यह पता चलता है, या यह एग्जाम्पल हमें यह दर्शाते हैं कि काबुलीवाला और मिनी एक दूसरे की संगति का आनंद लेते थे, यानी उन्हें आपस में बातचीत करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट बेटा 13th क्वेश्चन आपका, मिनी's father showed a change in attitude towards to Kabuliwala after he was released from the jail. मिनी के पापा ने जब काबुली वाला जेल से छुटकारा आया तो उसके एटीट्यूड में कुछ चेंज दिखाई दिया उनको। Why was he reluctant to entertain him? वह उनसे मिलने के लिए, यानी अपने परिवार से या उनसे मिलने के लिए क्यों अनिच्छुक था, यानी वह उन्हें क्यों मिलने नहीं देना चाहता था अपने और अपने फैमिली से। इसका आंसर है बेटा, आफ्टर रिलीजिंग द जेल When काबुलीवाला came to meet मिनी and her father, जब जेल से छूटने के बाद काबुलीवाला मिनी और उसके फादर से मिलने के लिए आया, her father was reluctant to meet him as मिनी getting married. That मिनी के पापा उससे मिलने के अनुच्छिक थे, यानी इच्छा नहीं थी उनसे काबुलीवाला से मिलने की, क्योंकि मिनी की उस दिन शादी होने जा रही थी। सो ही टोल्ड काबुलीवाला टू कम सम अदर टाइम, इसलिए उन्होंने उसे काबुलीवाला को किसी और समय आने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट डिड मिनी फादर रियलाइज व्हेन ही हर्ड अबाउट द काबुलीवालास डॉटर, जब काबुलीवाला की बेटी के बारे में मिनी के फादर ने सुना तो उसे कैसा महसूस हुआ। राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो नीचे जगह दी हुई है उसमें अपना आंसर लिखोगे। रीड आउट योर आंसर विद प्रॉपर इनोटेशन एंड एक्सप्रेशन, आपको इसे क्लास में रीड आउट भी करना है। अब इसका आंसर है बेटा, व्हेन रहमत रिफ्यूज टू टेक मनी, जब रहमत के ने मिनी के पापा से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। देन ही टुक आउट अ ग्रिम्पी पीस ऑफ पेपर, तब उसने कुछ मुसला हुआ मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकाला। देयर वॉज द इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल हैंड ऑफ हिज डॉटर, उस कागज पर बहुत ही छोटी लड़की के हाथ का निशान था, यानी पूरे पंजे का निशान था उसके हाथ का।
Mini's father filled with the tears. यह देखकर मिनी के पापा की आंखों में आंसू आ गए. At last, when Kabuliwala released from jail, और जब अंत में काबुलीवाला जेल से छूटकर आया, he gave some money to Kabuliwala to go back to his daughter. तब उन्होंने उसे, यानी उसके पापा ने, मिनी के पापा ने उसे काबुलीवाला को अपनी बेटी और अपनी फैमिली से मिलने के लिए कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने गांव वापस जा सके अपनी फैमिली और अपनी डॉटर बेटी से मिलने. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इमेजिन यू आर काबुलीवाला. कल्पना करो कि आप काबुलीवाला हो. विथ द मनी गिवन बाय मिनीज फादर यू हैव बीन रिटर्न यू री यूनाइटेड विद योर फैमिली. कि मिनी के पापा के द्वारा दिए गए पैसे से आप अपनी फैमिली से दोबारा मिलते हो. राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, शो करते हुए आपको एक डायरी एंट्री यानी डायरी नोट करनी है. डायरी है बेटा आपकी, डियर डायरी, फाइनली आई एम बैक विद माई फैमिली. कि आखिरकार अंत में मैं अपने परिवार के साथ हूँ, वापिस मिल गया हूँ अपनी फैमिली को. मैनी थिंग्स हैड चेंज्ड इन ऑल दीज ईयर्स. इन बहुत सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया है. माई डॉटर हैज ग्रोन अप. मेरी बेटी बड़ी हो गई है. हर मैरिज हैज बीन फिक्स्ड. और उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी है. आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू मिनीज फादर फॉर रीयूनाइटेड विद माई फैमिली. मैं हमेशा मिनी के पापा का आभारी रहूंगा अपनी फैमिली से दोबारा मिलवाने के लिए. मिनीज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड माई फैमिली डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी. एक बहुत बड़े समय के बाद, यानी 8 साल जब वह जेल में रहा, अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा सका, तो इन 8 सालों में के बाद जब वह वापस घर गया तो उसकी फैमिली ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया. दे थॉट दैट आई हैड बीन डेड. उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका था. देन आई टॉल्ड देम व्हाट हैपेंड विद मी. तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था. माई फैमिली ब्लेस्ड मिनीज फादर एंड थैंक्ड हिम. मेरी फैमिली ने उसे, मिनी के पापा को आशीर्वाद दिया और धन्यवाद किया. इफ आई एवर वेंट बैक आई वुड मीट मिनीज फैमिली सो दैट वी कैन ऑल थैंक हिम. यदि जब कभी मुझे वहां जाने का मौका मिला, यानी जब कभी मैं वापस गया, तो मैं मिनी की फैमिली से मिलूंगा ताकि उनका धन्यवाद हम सब कर सके. रहमत. आई होप बेटा यू विल गेट इट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.